हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन के ब्लूटूथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है, नीचे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, अब यहाँ पर भी क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये भी आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।